Hello everybody, welcome to Dolly Jolly. I hope you all are fine. आप लोग गेस करें ये कौन सी जगह होगी. ये है दुबई का एटलांटिस्ट होटल और काफ़ी ज़बरदस्त है. आपको मैं ये बाहर जो है दिखा रही हूँ, बहुत ही ज़बरदस्त है. थोड़ा सा मैंने इसको फास्ट किया है जस्ट बिकॉज के व्लॉग पर बहुत ज़्यादा जो है वो लॉन्ग हो जाएगा, तो मैंने सोचा आप लोग बोर हो जाएंगे देखते देखते. आप देखिए ये इसकी बाहर का जो एरिया है, आप बाहर का जो है सेटअप सारा एंजॉय कर सकते हैं. और ये ऐसा होटल है यहाँ पे लोग मतलब स्टे भी करते हैं, और ये है कि यहाँ पे डिफरेंट फंक्शंस वगैरह भी लोग ऑर्गेनाइज करते हैं, डिफरेंट इवेंट्स ऑर्गेनाइज करते हैं इसमें. अब हम अंदर चलते हैं और आपको हम दिखाते हैं कि अंदर से ये होटल कैसा लगता है. सारा तो हम आपको दिखा नहीं सकते, लेकिन जहाँ तक हम लोगों ने इसका विज़िट किया है मैं इतना ही आप लोगों को जो है इसके बारे में बता सकती हूँ और दिखा सकती हूँ, क्योंकि हम यहाँ पे एक इवेंट को जो है विज़िट करने आए थे. और ये देखिए ये अंदर से कितना खूबसूरत है, माशाल्लाह बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. वैसे भी जो दुबई है उसमें आप ऐसी ऐसी बिल्डिंग्स देखेंगे ना, और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका सारा जो उसका जो मतलब अंदर से जिसकी सेटिंग और बाहर से सेटिंग ऐसे देखेंगे कि वो दुनिया में पूरी दुनिया में यूनिक होगी, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा जो है इस पर स्पेंड करते हैं, गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा स्पेंड करती है. और दुबई तो वैसे भी जो है खूबसूरत बिल्डिंग्स के लिए बहुत ज़्यादा जो है वो फेमस है. बहुत मुझे ये जगह बहुत अच्छी लगी. इसको मैंने आप लोग देखेंगे व्लॉग में कि मैंने इसको बार बार रिकॉर्ड किया हुआ है, बार बार मैंने रिकॉर्ड किया और मैंने इसको ऐड भी यहीं पे बार बार किया हुआ है. बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही ऐसी फीलिंग्स आती है, बहुत कोजी कोजी फीलिंग्स. बहुत आपको ये जो है आप जब इस तरह की जगह पर आप विज़िट करते हैं ना, तो आपको काफ़ी जो है मोटिवेशन मिलती है और आप लोग कुछ अलग और कुछ बड़ा कर दिखाने का आपको दिल करता है, और आप कहते हैं कि काश मतलब हम इस जगह को बार बार एंजॉय कर सकें और कोई मुश्किल ही ना हो इस जगहों को विज़िट करने में. तो फिर आप देखें बाहर से भी दिखाया और फिर हम अंदर गए और ये देखिए कितना खूबसूरत से ये कितना अच्छा से ये मूव हो रहा है. तो ये जो है हम लोग ने फंक्शन इवेंट को जो है विज़िट करने आए थे, और ये इवेंट था ये आप लोग जैसे कि जानते होंगे ये क्रिप्टो करेंसी, तो आप लोग जानते होंगे क्रिप्टो करेंसी था. और ये दूसरा ये जो डायमंड की ये कोई होती है इन करेंसी वगैरह, तो क्रिप्टो में जो है मेरे हस्बैंड ने इन्वेस्ट किया है. और ये जो है मैंने ये इसीलिए भी ये व्लॉग बनाया कि शायद इस पर बहुत ज़्यादा व्लॉग्स मतलब ऐसे बने हैं, लेकिन ज़्यादातर मेरे ख्याल में इंडियंस ने बनाए होंगे या फिर जो है मतलब बाहर के लोग बनाते हैं, इंग्लिश पीपल लोग ज़्यादातर इस पर व्लॉग वगैरह बनाते होते हैं मतलब को. तो मैंने सोचा कि मैं आप लोगों को भी बता दूँ, अपने जितने भी मेरे पाकिस्तानी या बांग्लादेशी या इंडियंस जितने भी मेरे सिस्टर एंड ब्रदर्स हैं, तो मैं इनको भी पता चले कि क्रिप्टो करेंसी में लोग ऐसे इन्वेस्ट करते हैं और हर एक बंदा इसमें इन्वेस्ट करता है. इसमें कोई मतलब ऐसी कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है, कोई मतलब क्वालिफिकेशन या एक्सपीरियंस कोई भी जो ऐसे रिक्वायरमेंट्स नहीं होती है, और कोई इसमें इन्वेस्ट कर सकता है. बस इसमें इन्वेस्ट करना होता है और बस काफ़ी एक्टिव रहना पड़ता है इसके लिए, और काफ़ी सोशल कनेक्शन इसके लिए आपको चाहिए. तो बड़े ही जो है वो आम से आम लोग जो हैं काफ़ी बड़े मिलियनेयर और बिलियनेयर इसमें बन चुके हैं, और आप लोग भी बन सकते हैं अगर आप लोग जो है चाहें तो. हमने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं, हम लोग भी इसलिए तो हम भी चले गए क्योंकि हमारे पास प्रैक्टिकल एग्जांपल्स बिल्कुल हमारी क्लोज एग्जांपल्स हमारे पास मौजूद हैं. तो मेरे हस्बैंड की काफ़ी डियर फ्रेंड हैं, उन्होंने भी जो है इसमें इन्वेस्ट किया है, और माशाल्लाह से उन्होंने बुर्ज खलीफा में जो है अपना फ्लैट जो है वो लिया है. और आप खुद सोचें कि वो एक आम से बंदे हैं, मतलब
क्वालिफिकेशन या कुछ भी नहीं है, उनको कुछ समझ वमझ नहीं है, लेकिन माशाल्लाह से वो बुर्ज खलीफा में रह रहे हैं, तो आप लोग भी ले सकते हैं। तो बस सिर्फ ये है कि आप लोगों को बस इरादा बनाने की ज़रूरत है। ये देखें, नेक्स्ट टाइम इन्होंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब होगा तो हमारे जो चीफ गेस्ट होंगे वो अमिताभ बच्चन होंगे, तो ये सारी बिजनेस सारे लोग हैं, इन सब लोगों ने जो है कुछ इन्वेस्ट करना चाह रहे थे इस इवेंट को जो है, मतलब क्या नॉलेज के लिए इन्होंने कुछ लोगों ने विज़िट किया और कुछ वाकई इन्होंने ऑलरेडी इन्वेस्टर्स हैं इसमें क्रिप्टो करेंसी जो है, आप लोग कुछ सर्च भी कर सकते हैं इस पर। तो काफ़ी जो है मतलब ऐसी जगहों पे मतलब जाना चाहिए और ऐसी जगह पे इन्वेस्ट करना चाहिए, पहले आप उसके लिए स्टडी करें कि ये वाकई सच है। हाँ जी, ये बिल्कुल वाकई सच है और ये इन्होंने जो है एक अपना इवेंट जो है ऑर्गेनाइज़ किया हुआ था दुबई एटलांटिस में। तो जो है बस इस तरह की जो है वो भी बाकी जो हैं जगहों पे आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, जैसे कि माजूज हो गया, उसमें आम से आम बंदा आपको पता भी नहीं होगा, आप थोड़ा सा 35 दिरहम जो है आप लोग इन्वेस्ट करते हैं और इनके हिसाब पर ड्रॉ लग भी जाता है, तो मिलियन से तो कोई भी कम, मतलब उनका कोई भी यानी लकी ड्रॉ का मिलियन से कोई भी कम नहीं है, मिलियन दिरहम से, तो आप लोग वो भी विन कर सकते हैं। माशाल्लाह से काफ़ी जो है अपॉर्चुनिटीज़ हैं यहाँ पे, क्योंकि ये तो वैसे भी जो है यूएई है, यूएई तो माशाल्लाह से पूरी दुनिया के लोग यहाँ पे आते हैं, पूरी दुनिया के जो मतलब तो काफ़ी ऐसी कंट्री है कि बैकवर्ड नहीं है, ऐसी कंट्री है कि नई से नई चीज़ पहले से पहले यहीं पे होती है, नई से नई चीज़ यहाँ पे होती है। और मैं आपको ये बताते चलूँ कि इसमें काफ़ी पाकिस्तानी लोगों ने भी इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी कुछ जो है वो यहाँ से जो है वो ले भी रहे हैं, लेकिन ये कि इसमें इंडियंस जो है बहुत ज़्यादा हैं और माशाल्लाह काफ़ी इन लोगों ने क्रिप्टो में इन्वेस्ट किया हुआ है और काफ़ी मैं कहती हूँ कि बहुत ज़्यादा ऐसे इंडियंस को मैंने देखा है कि वो कुछ भी नहीं थे और आज वो बहुत बड़े बड़े लोग बन चुके हैं बिन काफ़ी यहाँ से वसूल कर रहे हैं। तो ये यहाँ पे फिर जो था थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट था और फिर हमने उन्होंने थोड़ा सा रिफ़्रेशमेंट जो है वो भी अटेंड किया और काफ़ी मज़ा आया हमने। मैं तो ऐसी जगहों पे ज़रूर जाती हूँ, वो इसलिए भी जाती हूँ कि मुझे बहुत मोटिवेशन मिलती है, मुझे मेरी जो करंट जॉब है और फिर मैं जो करंट कर रही होती हूँ, फिर मेरे जो है जो इरादे होते हैं वो काफ़ी स्ट्रांग हो जाते हैं और मैं कुछ अलग सा करना, कुछ और कुछ मजीद करना चाह रही होती हूँ, मैं कहती हूँ मैं कुछ बन जाऊँ और एक नाम बनाऊँ, एक एग्जांपल बनूँ, तो मुझे तो काफ़ी इन जगहों से मोटिवेशन मिलती है काफ़ी ज़्यादा। तो ये कितने सारे लोग जो आए हुए हैं, इसमें हर किस ये फ्री था, यहाँ पे हर कोई जो है इसको अटेंड कर सकता था। और ये भी एक जगह इसमें बनी हुई थी, मैंने बस इसी को विज़िट किया, जो मतलब हम लोग तो ग्राउंड फ्लोर पे थे तो बस जो जो चीज़ें मैंने विज़िट कर सकती थी वो मैंने की हैं। तो ये जो था एक एक्वेरियम सा इन्होंने बनाया हुआ था और हर टाइप की जो है यहाँ पे फिश इसमें देखे मौजूद हैं और डिफरेंट कलर्स की और डिफरेंट ये मुझे बहुत पसंद है, ये देखें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत कि बस मैं तो ग्लास से बिल्कुल लाइक आई एम ऑलवेज यूज टू स्टैंड अगेंस्ट द ग्लास और मैं देखती रहती हूँ कि इसको इंजॉय कर रही होती हूँ, सोच रही होती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ही नज़दीक से आप लोग सारे फिश वगैरह हर टाइप को आप देख रहे होते हैं, ये देखिए बिल्कुल एक साथ जा रही है और बहुत ज़बरदस्त है, बहुत काफ़ी ब्लू सा है सब कुछ, काफ़ी नज़दीक से जो है हम लोगों ने रिकॉर्ड किया हुआ है।
तो बस मैं आप सबको यही कहूँगी कि प्लीज़ ज़िंदगी को इंजॉय करें, और ऐसी ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपको अगर मिलती हैं तो इसको अवेल किया करें, और जो है अपनी अपना टाइम और अपने जो पोटेंशियल्स हैं उसको वेस्ट ना करें, और इसको इन्वेस्ट करें, इसको जो है कुछ ना कुछ करें। ये देखें हमें फिर जो है एक बैग सा भी जो है उन्होंने दिया, जिसमें एक मोटिवेशनल जो थी एक बुक थी, आप कैसे बिजनेस आइकॉन बन सकते हैं, कैसे आप बिजनेसमैन बिजनेस वुमन आप कैसे बन सकते हैं, कैसे आप उसको मेंटेन रखेंगे, और एंटरप्रेन्योर्स की जो थी मतलब बुक है जो बन सकते हैं, जो उनकी क्या क्या मतलब रूल्स हैं उसके लिए, तो वो सब कुछ इसमें मेंशन है। तो मुझे वो बुक जो मिली है मुझे बहुत खुशी हुई है, मतलब अगर वो उसको उससे आप बहुत ज़्यादा कुछ जो है लर्न कर सकते हैं। फिर काफ़ी डायरीज थी उसमें, उसमें पेन वगैरह भी थे, काफ़ी डायरीज थी, और फिर जो है 23 का जो था उसमें कैलेंडर है, और उसको भी मैं देख के बहुत खुशी हुई क्योंकि अभी तो करंटली जो है वो 22 चल रहा है, लेकिन मुझे 23 का कैलेंडर सबसे पहले जो है मुझे मिल चुका है, तो डायरीज उसमें बहुत ज़्यादा थी। तो ये देखिए बाहर की जगह बहुत ज़्यादा मुझे पसंद है, बहुत ज़्यादा। इससे पहले भी हम लोग यहाँ पे आ चुके हैं, उसके साथ जो है बिल्कुल वो एक समंदर सा है, और वहाँ पे जो है एक उन्होंने वॉक पेमेंट बनाया हुआ है, वहाँ पे हम लोग ने वॉक की थी, और काफ़ी खूबसूरत मौसम था उस टाइम, बारिश हो रही थी। एक मेरा तो जाने को दिल नहीं करता, बाहर हम जाते और फिर अंदर आते तो आप देख लें। और यहाँ पे काफ़ी अच्छा VIP सिस्टम होता है, आप लोग यहाँ पे अपनी गाड़ी में आते हैं तो आप एक जगह तक ही सिर्फ आ सकते हैं, फिर इनके अपने ही लोग होते हैं, फिर वो आपसे गाड़ी जो है वो लेते हैं और फिर खुद पार्क करते हैं, और जब भी यहाँ पे आप वेट करते हैं और फिर आपकी गाड़ी जो है वो आ जाती है, वो एक काफ़ी VIP आपको अपना फील होता होगा, फील होता है। और इस तरह के जगह पर प्लीज़ जाएँ, और प्लीज़ ऐसे अपॉर्चुनिटीज़ को देखें, मौजूद में प्लीज़ आप लोग इन्वेस्ट करें। 35 दिरहम जो है आप लोग करते हैं, मैं तो कहती हूँ अगर आप 4 times और 5 times आप लोग इन्वेस्ट करेंगे भी उसमें मौजूद में आप ट्राई करेंगे, तो मैं तो कहती हूँ एक ना एक दिन तो आपकी ड्रॉ लग जानी है, और इंशाल्लाह अल्लाह पे यकीन रखें। और प्लीज़ मैं कहती हूँ कि जो कुछ भी आप हैं और तो शुक्र अदा करें, लेकिन कुछ उससे भी बढ़कर, कुछ उससे भी बड़ा जो है अगर आप लोग करना चाहते हैं करें। और मैंने जो है ये चैनल बिल्कुल न्यू बनाया हुआ है, क्योंकि हम लोग बाहर रहते हैं, इतनी जगहों को हम लोग विज़िट करते हैं, इतना कुछ है मैंने जो है सेव किया हुआ है, तो मैं स्लोली एंड ग्रेजुअली मैं उसको जो है अपलोड करती जाऊँगी। आप प्लीज़ मुझे बताएं, और आप लोग क्या देखना चाहते हैं, किस बारे में आप लोग जो है नॉलेज चाहते हैं, ताकि फिर मैं हम लोग वो भी आपको दें। बस आपके लिए हम यहाँ से निकल गए और अपनी मंजिल की तरफ, अपने घर की तरफ जानब हम लोग बढ़ रहे हैं। बहुत थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल।